नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। बहराइच में बीते दिनों कोतवाली देहात के ग्राम बहादुरपुर में पति पत्नी की हुई नृशंस हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी अभी फरार चल रहा है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त फावड़ा व अभियुक्त के खून लगे कपड़े बरामद किए हैं। हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। आपको बता दें के बीते 13 जून की रात कोतवाली देहात के बहादुरपुर गांव में अब्दुल गनी व उसकी पत्नी चुनमुनिया की गला काट कर हत्या कर दी गई। इस संबंध में थाना कोतवाली ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। दोहरे हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बहराइच केशव कुमार चौधरी ने 3 टीमों का गठन कर हत्याकांड का शीघ्र खुलासे के निर्देश दिए थे। पुलिस टीम ने तैनूर और सोनू को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे हत्यारोपी शाहनूर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पिछले महीने 13-14 की रात्रि में पति पत्नी दोनों की गला काट कर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के अनावरण के लिए दो टीमें गठित की गई थी और विवेचना के क्रम में घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें 3 लोगों की संलिप्तता पाई गई है, जो उसी गांव के हैं। घटना का कारण जमीन का विवाद था, जिसमें मृतक के द्वारा जो आरोपी हैं उनकी जमीन में चक्रोड बनाने के बाद चल रही थी और उसकी पैमाइश होनी थी और उसी चीज़ को रोकने के लिए जो आरोपी हैं। आगरा के कशवाहा पिनाहट में डबल मर्डर से फैली सनसनी, तेल मिल व्यापारी और उसकी पत्नी का मिला शव। कस्बे के व्यापारियों में आक्रोश, पति पत्नी के शरीर पर मिली चोट के निशान, डकैती के बाद हत्या की आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने का किया प्रयास, परिजनों ने रोका। पिनाहट CHC में परिजनों ने उच्च अधिकारियों व डॉग स्पॉट के आने के बाद शव को पोस्टमार्टम भेजने की बात कही। कस्बे के व्यापारियों ने व्यापारी दंपति की हत्या के बाद कस्बा किया बंद, खुलासे की मांग। थाना पिनाहट के मोहल्ला मार्ग की है घटना। पिनाहट थाना क्षेत्र में पिनाहट कस्बे में सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि दो लोगों की जो पति पत्नी है उनके दरवाजे खुले हुए हैं ऊपर से, जिन लोगों ने देखा था। मौके पर पुलिस ने जाके देखा तो वहां पे पति पत्नी दोनों ही मिले, जिनकी उम्र 65 से 70 साल के बीच में है और एक के सिर पे चोट के निशान थे। चेक किया गया, फिर हॉस्पिटल भिजवाया गया तो वो दोनों मृत घोषित कर दिए गए। कमरे में सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। परिजनों को सूचना दी गई है, वो तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कि कुछ लोग अंदर आए हैं, सामान भी बिखरा पड़ा था और उन्हीं के द्वारा हो सकता है रात में लोग जग गए हों तो ये हत्या कारित की गई है। इसमें जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण आएगा उसके आधार पर विवेचना की जाएगी। अभी मौके पर शांति। कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाह के फाउंडेशन द्वारा संचालित GNM नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे RO का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने, GT रोड, एटा, उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9422827579456214024। आज पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री राजेश कुमार सक्सेना के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्रीमती नम्रता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में मिशन शक्ति अभियान के तहत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन हेतु महिलाओं एवं बालिकाओं में सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से बाजारों व सार्वजनिक स्थानों व गाँव में जाकर महिलाओं व बालिकाओं को 1090 वीमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 108 एम्बुलेंस सेवा, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा तथा थानों पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर जागरूक किया गया। क्या कहीं कोई होटल या ढाबा कहीं पे कोई काम करता हो, कोई ऐसे बच्चे हैं? नहीं है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। पढ़ाई के अलावा ये सब काम मत करना, ठीक है? इन लोग अभी छोटे हो, बच्चे हो, इन लोगों के लिए पढ़ाई ज़्यादा महत्वपूर्ण है। काम नहीं, तो तुम लोग काम नहीं करने जाओगे।
कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक्य फाउंडेशन द्वारा संचालित GNM नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे RO का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने GT रोड एटा उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9412282757 9456214024। लखीमपुर खीरी खुटार रोड गोला हरियाल पुल नहर से उतरारा अज्ञात महिला की उम्र 27 वर्ष शव बरामद होने से ममरी रोड रोशन नगर पुल के पास महिला को थाना हैदराबाद क्षेत्र में ममरी के आगे से गुजरने वाली शारदा सहायक हरदोई ब्रांच बड़ी नहर में आज सुबह एक अज्ञात महिला का शव उतराते देखा गया। आनन फानन में लोगों ने थाना हैदराबाद पुलिस को जानकारी दी। थाना हैदराबाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से महिला के शव को नहर से बाहर निकलवाया। महिला का शव नग्न था और माथे पर चोट के निशान मिलने से हत्या की आशंका लग रही है। कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक्य फाउंडेशन द्वारा संचालित GNM नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे RO का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने GT रोड एटा उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9422822857 9456214024। उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पटियाली पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पटियाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हरगैन में रामकिशोर की छत पर अवैध शस्त्र फैक्ट्री को पकड़ा है। इसमें दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से बने अदबने शस्त्र एवं भारी मात्रा में बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। उक्त फैक्ट्री का भंडाफोड़ पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है। देखिए, हमारे कासगंज पुलिस को और हमारे जो थाना पटियाली टीम को बहुत अच्छी सफलता मिली है। पटियाली में पहले अपने जो थाना प्रभारी गंगा प्रसाद और उपनिरीक्षक श्री अमरेश सिंह को बहुत बधाई देता हूँ। इन्होंने एक ये जो बरगेन कस्बा है, जो गांव है, वहाँ पे एक अवैध रूप से संचलित एक शस्त्र फैक्ट्री को जो उसका बांडा हमने फोड़ा है और उसमें दो अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं। अभियुक्त का नाम है एक रामकिशोर उर्फ डब्बू, ये भी बरगेन का रहने वाला है, बरगेन का, और वसीम खान, ये दो पकड़े गए हैं। ये रामकिशोर के घर के ऊपर ये अवैध शस्त्र बनाते थे और पूछताछ के दौरान हमें यही पता चला कि एक मुकेश नामक एक हार्डवेयर शॉप डीलर भी है जिनसे ये लोग ये खरीदते थे। और अभी पूछताछ चल रही है और विवेचना में ये हमें ये भी पता चलेगा कि क्या मुकेश ये सब जानते थे। और दूसरी बात है, ये सप्लाई करते थे एक बरगेन का ही रहने वाला छोटे का, तो हम लोग सबके लिए अभी छोटे कान और मुकेश के लिए हम प्रयासरत हैं और उनको भी जल्द से जल्द हम अरेस्ट करें। कितना असला बरामद हुआ है फिलहाल? अभी 6 अवैध तमंचा 315 बोर के और 5 अवैध जिंदा कारतूस और 1 अवैध खोखा कारतूस भी मिला है 315 बोर की है
और 10 नाल मिले हैं जो 315 बोर के, और भारी मात्रा में हमें अध्वनि क्षेत्र और क्षेत्र बनाने का जो उपकरण है वो भी मिले। कहाँ का सप्लाई होती है सर? देखिए फिलहाल अभी हम लोग अभियान चला रहे हैं, और मैंने पूरा आपने जितना भी हिस्ट्री है शस्त्र अभियान अभी तक जितने भी ये अवैध शस्त्र बनाने वाले फैक्ट्री है उसमें अभी तक क्या क्या कार्रवाई हुई है उसका हम लोग डिटेल्स ले रहे हैं, उसके बाद अभियान चलाएंगे और ज़रूर इस पर टूट पड़ेगी। और कहीं पर भी कुछ भी अवैध शस्त्र बनाने का कोई भी फैक्ट्री हो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, और नेटवर्क को हमारा यही मकसद है कि जो इनका नेटवर्क है उसको जड़ से हम लोग निकालें। कहाँ कहाँ बेचे जाते हैं, कितने बेचे जाते हैं सर? फिलहाल अभी तो पूछताछ चल रही है, इतना ही हमें पता चला है कि ये एक छोटे कान है जिनको ये अभी फिलहाल सप्लाई करते हैं। अभी छोटे कान को भी हम पकड़ेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा ये कहाँ कहाँ पे बेचते थे, क्या क्या है। वही तो मैं कह रहा हूँ, हम लोग पूरा नेटवर्क को समूल रूप से हम लोग उसको जड़ से तोड़ने का प्रयास करें। ठीक। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक्य फाउंडेशन द्वारा संचालित जीएनएम नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से, न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर, बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे आरओ का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने, GT रोड, एटा, उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9412282757 9456214024